नमस्कार शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज आपसे जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वर्णन तथा कहानी कथन। शिक्षार्थियों, पहले हमें यह समझना होगा कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति क्या होती है, उसके आधार पर ही हम उसमें कहानी और वर्णन विधि के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। वस्तुतः सामाजिक विज्ञान अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्यों की अन्य मनुष्यों से अंतःक्रिया और वर्तमान और अतीत के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इसी कारण इसकी सामग्री अनेक विषयों से संबंधित है, जैसे मानव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, कानून, नागरिक शास्त्र आदि विभिन्न विषयों का यह एक सामूहिक अध्ययन है। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षण विधियां क्यों प्रयोग की जाएं? शिक्षण विधियों का आखिर महत्व क्या है? शिक्षार्थियों, किसी भी विषय की बोधगम्यता उसके सफल और प्रभावशाली शिक्षण पर आधारित होती है। प्रभावशाली शिक्षण स्तरानुकूल और विषयानुकूल शिक्षण विधियों के प्रयोग पर आधारित होता है। सामाजिक विज्ञान विषय में स्वयं में अनेक विषयों का समन्वय होता है, अतः पृथक पृथक विषयों, प्रकरणों, प्रसंगों के लिए पृथक पृथक विधियों का प्रयोग अपेक्षित भी होता है और अनिवार्य भी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियों में अगर हम बात करें तो व्याख्यान विधि, जिसको हम भाषण विधि के नाम से भी जानते हैं, समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, आगमन निगमन विधि, वर्णन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, स्रोत विधि, इकाई विधि इत्यादि अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है वर्णन विधि के बारे में। वर्णन विधि क्या है? वर्णन करना वस्तुतः एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी स्थान, काल, घटना, वस्तु, व्यक्ति आदि से संबंधित तथ्यों का, विशेषताओं का साकार शब्द चित्र उत्पन्न किया जाता है। ये वह विधि है जिसमें किसी स्थान, काल, घटना, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि से संबंधित तथ्यों का शाब्दिक चित्रण बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, इस तरीके से कि छात्र वस्तु स्थिति के बारे में यथावत ज्ञान प्राप्त कर सकें। शिक्षार्थियों, इसके द्वारा विषय वस्तु में निहित तथ्यों के परस्पर संबंधों पर छात्रों के ध्यान को आकृष्ट किया जाता है। वर्णन एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित क्रम में किसी प्रकरण या विषय वस्तु पर वर्णन प्रस्तुत करता है। शिक्षार्थियों, मैं अपना वाक्य फिर से दोहराती हूँ, यह ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित क्रम में किसी प्रकरण या विषय वस्तु पर वर्णन प्रस्तुत करता है। यह विधि ये मानकर चलती है कि सीखने वाला भाषण अथवा इंगित किए हुए संबंधों को समझने की योग्यता रखता है। साथियों, वर्णन, निर्देश और कथन में अंतर नहीं भूलना चाहिए। इन तीनों में परस्पर अंतर होता है। जहां निर्देश में शिक्षक किसी मुख्य सूचना को प्रदान करता है जो छात्रों को अपने शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में आवश्यक होती हैं, वहीं वर्णन का मुख्य उद्देश्य घटनाओं, तथ्यों एवं धारणाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादित करना होता है। कथन अपने रूप में संचित होता है जबकि वर्णन काफ़ी विस्तृत होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, वर्णन, निर्देशन और कथन में अंतर स्पष्ट समझा जाना चाहिए। वर्णन विधि की विशेषता क्या होती है? वर्णन विधि की यह विशेषता है कि इसमें स्वाभाविक, सजीव और रोचक वर्णन से छात्रों की कल्पना को साकार किया जाता है ताकि वो संपूर्ण विश्व की अनुभूति प्राप्त कर सकें। यह छात्रों को सुदूर प्रदेशों की मानसिक यात्रा कराने का माध्यम है। इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों को भी अपने यात्रा संबंधी या अन्य समानार्थक अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण छात्र भी अपने यथार्थ ज्ञान को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों ही इस तरीके के पाठ के दौरान अपने रुचिकर अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। वर्णन विधि का प्रयोग करते समय
विशेष रूप से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं देश विदेश के भौगोलिक, ऐतिहासिक, नागरिक एवं अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्यों का ज्ञाता हो। वर्णन नियोजित होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को पूर्व में ही इसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। वर्णन में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री का क्रम और उसका स्थान निश्चित होना चाहिए। वर्णन यथार्थ और क्रमबद्ध होना चाहिए। शिक्षार्थियों, इसके साथ ही शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह विभिन्न कक्षा स्तर के अनुसार मधुर, सरस और बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में दक्ष हो और वह एक किसी केंद्रीय विचार, समस्या या प्रकरण पर आधारित पर अपना विवरण प्रस्तुत करें। वर्णन विधि के प्रयोग के अनेक अवसर होते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में विशेष रूप से जहाँ पर अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे भूगोल विषय में देश विदेश के विविध स्थानों के प्राकृतिक दृश्यों तथा वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कर सकता है। इतिहास विषय में शिक्षक विभिन्न कालों में घटी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कर सकता है, महान व्यक्तियों के जीवन और उनके कृतित्व का वर्णन कर सकता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र विषय में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और व्यवसायों का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कर सकता है। नागरिक शास्त्र विषय में विभिन्न देशों के नागरिकों के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन, नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें तो वर्णन विधि के प्रयोग के बहुत सारे अवसर सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ और उदाहरण अगर हम देना चाहें तो विभिन्न देशों, प्रदेशों जैसे पंजाब, बंगाल, चेन्नई एवं डेनमार्क के कृषकों एवं पशुपालकों का जीवन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने देशी और विदेशी दोनों प्रकार के कृषकों के और पशुपालकों के जीवन का वर्णन कर सकता है शिक्षक। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न देशों के निवासियों का भोजन, वस्त्र और उनके आवास संबंधी विशेषताओं का वर्णन कर सकता है। जल के स्रोतों तथा मिश्र, मिसिसिपी के मजदूरों का जीवन और क्यूबा और फिलीपींस के चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों के जीवन से भारत के श्रमिकों और मजदूरों के जीवन की तुलना कर सकता है। विभिन्न देशों की बनी हुई वस्तुओं के विषय में वर्णन कर सकता है और कभी कभी उनके विषय में आत्मकथाएं भी लिखवा सकता है, जिसमें छात्र खुद अपने अनुभवों का वर्णन कर सकते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित कहानियाँ, निकट भौगोलिक वातावरण में निवास करने वाले नागरिकों का वर्णन और वनों, तेल के कुओं और जनशक्ति के उपयोगों के विषय में वर्णन। तो इस प्रकार बहुत सारे विषय, प्रसंग, प्रकरण हैं जिसके अंतर्गत अध्यापक वर्णन विधि का प्रयोग कर सकता है। वर्णन विधि के गुण क्या होते हैं, अर्थात वर्णन विधि का प्रयोग करने से लाभ क्या है, शिक्षक को क्यों इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। वर्णन विधि का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान अपनी प्रकृति में ही वर्णनात्मक है। इस विधि के प्रयोग के बिना शिक्षण करना कठिन है। विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक के लिए अपरिहार्य है कि वह सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वर्णन विधि का प्रयोग करें। कुशल अध्यापक के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधि भी है, क्योंकि छात्रों के मन में वर्णन के द्वारा साकार शब्द चित्र बनाने में वो दक्ष होते हैं। इसके साथ साथ इसके द्वारा विषय वस्तु को क्रमबद्ध एवं तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे छात्र सरलता से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह कम विषय में अधिक विषय वस्तु को पूरा करने में सहायक है, इसलिए भी इस विधि का प्रयोग अपेक्षित है। यह भी इस विधि का गुण है। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बालक बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों की उपलब्धियों के वर्णनों से प्रेरित होते हैं और उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारते हैं। इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संपर्क स्थापित करने की अद्भुत शक्ति होती है। जब अध्यापक बोलता है
वाणी के उतार चढ़ाव, शरीर संचालन और प्रभावशाली भाषा में वर्णन करता है तो शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य अपने आप संपर्क स्थापित हो जाता है। यह विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को स्पष्ट करने की महत्वपूर्ण विधि है। वर्णन के द्वारा ही शिक्षक विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकता है, इसलिए भी इस विधि को प्रयोग करना उचित होता है। सारगर्भित वर्णन मन को एकाग्र करने में सहायक होता है, जिससे विचारों को ग्रहण करना सुविधाजनक होता है। अर्थात यह विधि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर वर्णन सारगर्भित ढंग से किया जाता है तो छात्र बहुत एकाग्रचित होकर सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। यह छात्रों को श्रवण कौशल में भी प्रशिक्षित करती है। इसके साथ साथ यह असंगत तथ्यों की अवहेलना करके छात्रों को संगत तथ्यों को ग्रहण कराने में भी सहायक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णन विधि में बहुत सारे गुण हैं। कुछ और गुणों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि वर्णन विधि विद्यार्थियों की समय और शक्ति को बचाने का भी कार्य करती है। रोचक वर्णन के माध्यम से विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, साथ ही साथ उनकी मौलिकता तथा सृजनशीलता को प्रोत्साहित करना भी आसान हो जाता है। वर्णन विधि अन्य विधियों के लिए जैसे समस्या समाधान, प्रोजेक्ट, भाषण, असाइनमेंट इत्यादि के सफल क्रियान्वयन में सहायक होती है। इसके साथ साथ यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए तो है ही उपयोगी। तो कहना गलत नहीं होगा कि यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थियों, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ कमियां भी हैं। वो कमियां इस वजह से हैं कि यदि इसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं किया जाता तो यह विधि प्रभावहीन हो सकती है। जैसे यह शिक्षक केंद्रित विधि है, यदि इसको शिक्षक अपने नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, वर्णन को प्रस्तुत करने में वो एक स्वयं को एक नेता के रूप में रखता है तो यह विधि प्रभावहीन हो जाती है। और वैसे भी आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दे रही है और यह विधि छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बना सकती है और इस कारण यह अमनोवैज्ञानिक हो सकती है। कई बार आत्म प्रदर्शन के मोह के कारण शिक्षक अनावश्यक बातों का वर्णन करते हैं या फिर पाठ अच्छी तरह से तैयार न होने के कारण भी इसमें अनावश्यक बातों का समावेश हो जाता है, जिसके कारण यह विधि प्रभावहीन हो जाती है और वास्तविक विषय से भटकने के कारण यह विद्यार्थियों को लाभ कम और हानि अधिक देती है। यह विधि आत्मश्रम को भी हतोत्साहित करती है। इस विधि के कारण शिक्षार्थी स्वयं से कोई प्रयास नहीं करना चाहते, वह शिक्षक के वर्णन तक ही अपने अध्ययन को सीमित कर लेते हैं। इसके साथ एक कमी यह भी है कि सभी अध्यापक इस विधि में निपुण नहीं होते और वांछित अध्ययन और अभ्यास नहीं करते। वर्णन कला के निपुण अध्यापकों के लिए भी प्रत्येक दिवस प्रत्येक कक्षा के लिए प्रभावशाली, सरल, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और सुसंगठित वर्णन पाठ तैयार करना अत्यंत श्रमसाध्य होता है। इससे समय का भी अपव्यय होता है, क्योंकि बालक कुशल श्रोता के रूप में बहुत कम अधिगम करता है, फलतः शिक्षक की तैयारी व्यर्थ चली जाती है। दोस्तों, वर्णन विधि की कमियां तो हैं, लेकिन यदि इन कमियों को दूर कर लिया जाए तो यह विधि एक प्रभावशाली विधि बन सकती है। शिक्षार्थियों, यहाँ मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी कि यदि इन सुझावों को अमल में लाया जाए तो वर्णन विधि एक प्रभावशाली विधि बन सकती है। जैसे अध्यापक को वर्णन पूर्ण करना चाहिए, अधूरा वर्णन नहीं करना चाहिए, ताकि छात्रों की कल्पना अधूरी या त्रुटिपूर्ण ना रह जाए। इसी प्रकार से वर्णन को सजीव बनाने के लिए विविध सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार उचित शब्दों, मौखिक उदाहरणों तथा अशाब्दिक चित्रों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ वर्णन में जितने भी पारिभाषिक शब्द आए
उनको भली भांति स्पष्ट किया जाना चाहिए। बालकों को भी वर्णन करने का कक्षा में अवसर देना चाहिए। यदि किसी बालक ने कोई स्थान या वस्तु देखी है तो उसे उसका वर्णन कक्षा में करने देना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात या सुझाव जो है वह यह कि वर्णन मध्यम गति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह बहुत अधिक तीव्र गति से और बहुत अधिक धीमी गति से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए और छात्रों की सजगता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में छात्रों से प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के रूप में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, जैसे चित्र, मानचित्र या मॉडल, वो इतने बड़े आकार के होने चाहिए जिससे संपूर्ण कक्षा उसे देख सके। यह स्वाभाविक हाव भाव युक्त ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभ के वर्णन को बालक ध्यानपूर्वक सुने, जिससे शेष वर्णन समझने में कठिनाई ना हो। और अंतिम बात कि वर्णन के आधार पर कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाले जाने चाहिए, जिसमें छात्रों की सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। शिक्षार्थियों, हमारे इस चर्चा का जो दूसरा भाग है वो है कहानी कथन। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कहानी कथन विधि पर। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कहानी विधि का या कहानी कथन विधि का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। कहानी कथन विधि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधि है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बालकों का स्वभाव ही जिज्ञासा और कौतूहलपूर्ण होता है। उनको किससे कहानी सुनना बहुत प्रिय होता है। इससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। छोटी कक्षाओं के लिए तो विशेष रूप से इस विधि का प्रयोग अत्यंत मनोवैज्ञानिक माना जाता है। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी कहानी के माध्यम से विषय को समझने में रुचि लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि किसी भी विषय के जटिल अंशों को यदि कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वह आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है। और बालक जो ज्ञान कहानी के द्वारा प्राप्त करता है उसे ग्रहण करने में उसे बहुत सरलता होती है। कहानी कथन विधि के सर्वोत्तम प्रयोग के क्या तरीके हो सकते हैं? किस विधि से अध्यापक को कहानी कथन को प्रस्तुत करना चाहिए? पहली बात, कहानी ना तो बहुत अधिक लंबी होनी चाहिए ना बहुत अधिक छोटी। कहानी का विस्तार इतना होना चाहिए कि एक पीरियड में उसको पूरा किया जा सके और इसके साथ साथ उसके आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा भी की जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो ध्यान में रखा जाना चाहिए इसके सर्वोत्तम प्रयोग के लिए, कि इसका प्रत्यक्ष संबंध विषय से होना चाहिए, यह विषयेतर नहीं होना चाहिए। कहानी कहने का एक खास तरीका होता है। वह तरीका है कि कहानी की भाषा सरल हो, रोचक हो, धारा प्रवाह हो और आकर्षक हो। इसके साथ साथ अपेक्षित अभिव्यक्तियों से पूर्ण हो। शिक्षक जो भी कहानी कहे, वह कहते समय उसे बालक की मानसिक अवस्था का, रुचि का, उसकी सांवेगिक विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कहानी का प्रभाव पड़ नहीं पाता है। शिक्षक को ऐतिहासिक कहानियों के संदर्भ में खास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि कहानियाँ काल क्रम के अनुसार हों और छात्रों को जो कहानियाँ सुनाई जाएं वे जीवन गाथा के रूप में हों। शिक्षक कहानी सुनाने में छात्रों की सहायता भी ले, उनको सतर्क और सक्रिय बनाए रखने के लिए और अपनी विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए प्रश्नों का और सहायक सामग्री का भी प्रयोग करें। इसके साथ साथ श्याम पट पर कहानी की प्रमुख बातों का उल्लेख भी करता जाए, जिससे छात्र बाद में उसका उपयोग कर सकें। अन्य चीज़ें जो ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कहानी के पात्र और परिस्थितियाँ बालक के समीपवर्ती वातावरण के अनुकूल हों तो कहानी का प्रभाव और अधिक पड़ता है। कहानी सुनाते समय कक्षा का वातावरण पूर्णतया शांत रहना चाहिए। कोलाहलपूर्ण वातावरण में कहानी सुनाने का कोई अर्थ नहीं रहता।
वह अपने उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर सकती। कहानी का उद्देश्य एक साधन के रूप में होना चाहिए। यह ध्यान रखने वाली बात है कि कहानी कथन का उपयोग एक साधन के रूप में होना चाहिए। इसके माध्यम से बालकों की कल्पना, जिज्ञासा और प्रेरणा शक्ति को विकसित करना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, न कि ये साध्य के रूप में इसको अपना लिया जाए और हर पाठ को कहानी विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए। शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कहानी सुनाने के पश्चात उससे संबंधित विषय की बोधगम्यता का पता चले। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि वह छात्रों से सवाल पूछे। इससे छात्र विषय को शीघ्रता और सरलता पूर्वक हृदयंगम कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। कहानी कहने की कुछ खास योग्यता होती है। कहानी कहने वाले शिक्षक में कुछ आवश्यक गुण अवश्य होने चाहिए, जैसे पाठ्य वस्तु पर शिक्षक का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जो कहानी वह सुनाने जा रहा है वो उसके बारे में, उससे संबंधित तथ्यों का उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा गुण जो शिक्षक में होना चाहिए वह यह है कि वह नेतृत्व की भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कहानी सुनाते समय शिक्षक को स्वयं को नेता नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक कक्षा का एक भाग के रूप में अपने आप को समझना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। तभी छात्र उस धरातल पर कहानी को समझने और सीखने में रुचि लेंगे। कहानी की पाठ्य वस्तु में उसकी स्वयं की रुचि होनी चाहिए। अगर शिक्षक बेमन से कहानी सुनाएगा तो छात्रों के ऊपर उसका प्रभाव निष्क्रिय होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए शिक्षक स्वयं कहानी में रुचि रखे, उसकी पाठ्य वस्तु में रुचि रखे। उसको अभिनय कला का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कहानी का प्रभाव तभी पड़ पाता है जब शिक्षक उचित आरोह अवरोह के साथ, भावभंगिमा के साथ कहानी को सुनाता है। यहाँ पर कुछ अभिनय कला भी आवश्यक है। तो शिक्षक के लिए यह आवश्यक गुण है कि वह अभिनय कला का ज्ञाता हो। इसके साथ साथ शिक्षक को ऐतिहासिक महापुरुषों के प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा और आदर की भावना होनी चाहिए। जिन महापुरुषों के बारे में वह वर्णन कर रहा है कहानी के माध्यम से, वो सुना रहा है बच्चों को उनके जीवन और कृतित्व के बारे में, तो उनके प्रति श्रद्धा और आदर के साथ उनको सुनाना चाहिए। कहानी कथन के लाभ क्या हो सकते हैं? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षक बालकों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है। कहानी में वह ताकत होती है कि वह बालकों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकती है। बालक कहानी के माध्यम से ही अपने छिपे हुए भावों को व्यक्त कर सकता है। इससे उसको जब व्यक्त करने का अवसर मिलता है तो बालकों की लज्जाशील प्रवृत्ति भी समाप्त होती है। कहानी के द्वारा शिक्षक उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकता है, और जब उनकी जिज्ञासा शांत होती है तो विद्यार्थी स्वयमेव अनुशासित हो जाते हैं। कहानी कथन के लाभ यही नहीं है, इतने ही नहीं है। इसके अलावा कहानी पद्धति के द्वारा बालकों के निर्णय और कल्पना शक्ति का विकास होता है। कम आयु के बालक तथ्यों को बहुत आसानी से सीख जाते हैं, और बालकों में नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास संभव होता है। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न भी है कि क्या कहानी सचमुच इतनी प्रभावशाली है कि उसको हर समय हर पाठ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, कहानी पद्धति में भी कतिपय कमियां हैं। कमियां क्या हैं कि यदि शिक्षक कहानी कला में निपुण नहीं है और वह कहानी कथन विधि को इस्तेमाल कर रहा है तो उसका शिक्षण प्रभावहीन हो जाएगा। यदि उसका भाषा पर अधिकार नहीं है, वह उचित आरोह अवरोह के साथ, भावभंगिमा के साथ कहानी का प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाता तो उसका शिक्षण प्रभावहीन हो जाएगा, और ये स्थिति कक्षा में अनुशासनहीनता की भी संभावना उत्पन्न कर देती है। प्रायः ऊंची कक्षाओं के छात्रों के लिए कहानी विधि को अनुपयोगी माना जाता है।
उपयोगी नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ऊंची कक्षाओं के छात्रों के पाठ्यक्रम में इतने प्रकार की विषय वस्तु है कि उस प्रत्येक विषय वस्तु को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना संभव नहीं है। कहानी कथन विधि में एक कमी यह भी है कि यदि इस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया जाए, अभ्यास प्रस्तुत किए जाएं, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम समय से पूर्ण करना संभव ही नहीं होगा। और एक दोष यह भी है इसमें कि इसमें विषयांतर होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, अर्थात विषय से भटक जाने की। कहानी कहता हुआ अध्यापक कहीं का कहीं भी पहुंच जाता है। कुछ सुझाव हैं शिक्षार्थियों जिनको प्रयोग करके, जिनको इस्तेमाल करके शिक्षक अपनी कहानी कथन विधि को बहुत प्रभावशाली बना सकता है। जैसे कहानी को कभी पढ़ना नहीं चाहिए, सुनाना चाहिए। इससे बालक उसमें रुचि लेते हैं, अन्यथा रुचि नहीं लेंगे यदि अध्यापक ने कहानी को पढ़कर सुनाया। कहानी में अनावश्यक प्रसंगों का उल्लेख ना करें, उसमें कृत्रिमता ना हो, और इसके साथ कहानी कहते समय शिक्षक कहानी के उद्देश्यों को हमेशा याद रखे, भूले नहीं, कहानी की भाषा को क्लिष्ट ना होने दे, सरस, सरल, बोधगम्य हो। यदि भाषा क्लिष्ट होगी तो वह विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली नहीं रह पाएगी और शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। और ऐतिहासिक कहानियों के कालक्रम का पूरा ध्यान रखना चाहिए, यह सुझाव हम देना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं प्रतिभा शर्मा अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करती हूँ। DLED के स्टूडियो से मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और अगले चर्चा पर आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।